बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही होंगे कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस बार ये एकादशी सोमवार यानी कि 23 जुलाई को है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। पुराणों में कथा है कि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सोने चले जाते हैं, इसीलिए इसे देवशयनी कहा जाता है। बात करें अगर इस एकादशी के महत्व की, तो पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति सच्चे मन से रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही समस्त पापों का नाश भी होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी होती है। मान्यता है कि इस एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान के जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, इस व्रत में भगवान विष्णु और पीपल की पूजा करने का शास्त्रों में विधान है। बात करते हैं एकादशी के शुभ मुहूर्त की। सबसे पहले आपको पारण का समय बता दें। पारण का समय शुरू होगा 24 जुलाई को सुबह 5:41 से सुबह 8:24 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम 6:25 पर। अब आपको बताते हैं एकादशी तिथि का प्रारंभ कब है। तो इसका प्रारंभ हो जाएगा 22 जुलाई को दोपहर 2:47 से। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4:23 पर 23 जुलाई को। बात करें एकादशी व्रत पूजन विधि की, तो नारद पुराण के अनुसार इस एकादशी के बाद भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं, इसीलिए इस दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान के ध्यान के बाद उनके व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी शुरू करें। पूजा घर में भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल के छींटे दें और रोली चावल से उनका तिलक करें, फूल चढ़ाएं, भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाना ना भूलें और जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उससे मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें और उनकी आरती भी उतारें। इसके बाद द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद भगवान का व्रत पूरा होने पर आराधना करें और ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें। ऐसा करने से आपका व्रत पूर्ण होता है। जो लोग व्रत नहीं करते उनके लिए भी शास्त्रों में बताया गया है कि वो इस दिन बैंगन, प्याज, चावल, बेसन से बनी चीज़ें, पान सुपारी, लहसुन, मांस मदिरा आदि चीज़ों से परहेज करें। व्रत रखने वाले दशमी से ही विष्णु भगवान का ध्यान करें और भोग विलास से खुद को दूर रखें। तो अभी हमने आपको बताया देवशयनी एकादशी के महत्व के बारे में, उसके शुभ मुहूर्त के बारे में और पूजा विधि के बारे में। इसी विशेष जानकारी के साथ ही बोल्ड स्काई पर अभी के लिए बस इतना ही।